प्रीवियस ईयर के अनुसार लेकिन समय के साथ अब क्वेश्चन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है इस साल का जो अभी पेपर हुआ है आपका 20 तारीख को ही खत्म हुआ है जो पेपर आप लोगों ने दिया होगा उसमें ओवरऑल ओवरऑल आप देखे होंगे कि उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा कर दिए गए मतलब एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है वो आपको सिलेबस दे दिया है उस सिलेबस के इर्द गिर्द वो आपसे सारे सवाल करेगा जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो एग्जामिनर थे पहले जो एग्जाम हुआ करता था दो हजार तक इवन आपका 19 तक भी हमें देखने को मिला था कि अगर आपकी एनसीईआरटी में जो सिलेबस दे दिया गया जैसे छह थीम फिक्स कर दिया गया है तो एग्जामिनर उसे छह थीम से सवाल देता था लेकिन अब आपका जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ चुका है तो हम लोग उसी लेवल के आधार पर तैयारी करेंगे चलिए कल हमने जो देखा है एक बार हम फटाफट सरसरी निगाहों से रिवीजन करेंगे कल हम थीम समझ रहे थे कि हमारे इनवायरमेंट में कक्षा तीन से कक्षा पांच तक टोटल छह थीम होते हैं जिसमें पहला थीम आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स परिवार एवं मित्र दूसरा थीम आपका फूड भोजन तीसरा स्लेटर आश्रय चौथा वाटर पांचवा ट्रेवल यात्रा थिंग्स वी मेक डू चीजें जो हम बनाते हैं तो ऑल ओवर कितना हो गया आपका ये टोटल छ थीम हो गया अगर आपसे पूछे थीम तो याद रखिएगा टोटल छह थीम है अगर आपसे पूछे उप थीम किसका परिवार एवं मित्र का तो तो उप उप थीम थीम आपके आपके टोटल कितने है? टोटल कितने हैं तो उस उप थीम में हमने प्लांट्स को सबसे पहले देखा था कि प्लांट्स की विशेषताएं क्या है प्लांट्स में क्या क्या आपके जो कारक होते मौजूद होते हैं उनके क्या कार्य हैं इन सभी चीजों को हम समझ रहे थे आज जो हमारी कक्षा है वो प्लांट्स का अगला हिस्सा है हम उसे कवर करेंगे तो आगे बढ़ते हैं कल की कक्षा में हम पौधों के प्रकार को समझ रहे थे जो आकार के हिसाब था उसमें हमने साग झाड़िया वृक्ष और लताओं को समझा था आज हम जो आपके प्लांट्स है क्षेत्रों के आधार पर इनका वर्गीकरण समझेंगे जो भी पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं पहले उस कक्षा को देख लेंगे तभी आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा क्षेत्रों के आधार पर पौधों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः चार आधारों पर किया गया है मतलब आपके जो पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं वो किस इन्वायरमेंट में क्या करते हैं वो सरवाइव करते हैं उसके आधार पर पौधों को बांटा गया है जिस में जिस वातावरण में पौधे सर्वाइव करेंगे निश्चित रूप से उनका डेवलपमेंट उनका विकास वैसा ही होगा तो उसी को समझने के लिए हम इनका क्षेत्रों के आधार पर क्या किए हैं वर्गीकरण किए है। तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे अगर हम पहला बात करें तो पहला जो आपका भाग है वो क्या है जलोद्भीद क्या होता है जलोदभी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जल में रहने वाले पौधे होंगे आपका समोदभीद लवड़ोदभीद और मरुद्भिद इनका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनका सी टेट एग्जाम इस बार बिगड़ गया होगा कोई दिक्कत नहीं है हम एक बार फिर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे मैं बहुत जीरो से आप लोगों की कक्षा प्रारंभ कर रही हूँ ताकि एग्जामिनर कहीं से भी एग्जामिनुमा कर सवाल दे तो आप उसे अटेंड कर सके पहला जो हमारा टाइप है जलोदभी जिसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे तो जलोदभी क्या होता है देखिए इमेज के द्वारा समझिए ये जो पौधे होंगे किस में होंगे आपके वाटर में होंगे कहा होंगे ये वाटर में होंगे अब ये क्या है आपके कुछ पौधों के एग्जाम्पल हैं अब हम डिटेल में समझेंगे अगर हम बात करें तो ये क्या है हाँ एक चीज और कि नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलेंगे क्योंकि होता क्या है कि हम अक्सर बचने का प्रयास करते हैं पीडीएफ से तो नोट्स आपका काम आएगा पानी पहला क्या है ये पानी में उगते हैं नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये क्या है आपका जल में रहने वाले पौधे हैं तो निश्चित रूप से ये जल में ही उगेंगे ये जड़े क्या होती है इनकी जड़े जो होती है कम विकसित होती है अगर आप बाकी पौधों को देखेंगे तो उनकी जड़े क्या होती है अत्यधिक विकसित होती है वो बहुत गहराई तक जाती है लेकिन आपका ये आप देखिएगा कभी उठाकर कमल को उठाकर देखिएगा उनका जड़ चेक करिएगा इन सब पौधों का तो बहुत कम ही विकसित होता है मतलब ये फ्लावर है पर आप अगर उस पौधे को उखाड़ कर देखेंगे ना तो चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी तो क्या होता है इनकी जड़े कम विकसित होती है पत्तियों पर मोम की परत होती है यहां ऐसे देख सकते हैं आप लोग ये आप लोग देखेंगे कुछ एकदम वो लगता है चिकना टाइप से लगता है तो वो किसके कारण होता है मोम के कारण तो ये इसमें क्या होता है मोम की परत होती है साथ ही ये एग्जाम्पल क्या है तो याद रखिएगा कमल जल लीली जलकुंभी और आपका ये क्या है आई कार्निया क्रेसिपीज जल कुंभी को ही कहते हैं जल कुंभी का दूसरा नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आपका जो जल में रहने वाले पौधे हैं उसका नाम बताइए या आपसे पौधे का एक नाम दे देगा तो ये बोल देगा ये कहाँ रहते हैं टॉपिक के बाद हम सवाल भी करेंगे तो आपको जल कुंभी का दूसरा नाम भी याद रखना है आई कार्निया क्रेसिपिज तो ये सब नाम भी आपको ध्यान रखने हैं ये क्या होता है जलमग्न होता है जलमग्न होता है मतलब ये जल में ही रहता है इसका कह सकते हैं कि जल के बिना इसका अस्तित्व तो अधूरा होता है तो ये क्या हो गया हमारा जल में रहने वाले पौधे हो गए एक बार हम फिर रिविजन करेंगे फटाफट पहला पॉइंट हमने क्या देखा पहला कि ये जल में उगते हैं निश्चित रूप से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है और क्या होते हैं ये चिकने होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इनमें मोम की परत पाई जाती है इनका एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या है एग्जाम्पल कमल जल लिली और जलकुंभी तो ये निश्चित है ठीक है दूसरी चीज क्या है कि इनकी जड़ी कम विकसित होती है इस चीज को भी ध्यान रखना है हमें याद हो पहला, ये जल में रहते हैं दूसरा ये क्या होती है इनकी जड़ें कम विकसित होती है तीसरा इनमें मोम की परत पाई जाती है और चौथा एग्जाम आपको एग्जाम्पल याद रखना है क्लियर हुआ अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे नेक्स्ट टाइप देखने से पहले देखिए आपका एक सवाल बन गया किससे आपके आपके जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं जलोद्भिद वहां से सवाल आप देखिए किस प्रकार बनेंगे एग्जामिनर आपसे ऐसे ही घुमाएगा आई कार्निया को निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है आपके सवाल अब देखिए यहाँ पास क्या बोला जल कुंभ वर्ड यूज नहीं किया अब ठीक है हमें चूंकि अगर जल कुंभ देता तो हमें समझ में आ जाता कि जल कुंभ मतलब जल में रहने वाला पौधा लेकिन यहाँ पास क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर वर्ड यूज किया है आई कार्निया अब हम यहां पर ध्यान देंगे हमने देखा अभी तुरंत ही कि जल कुंभी को ही हम क्या कहते हैं दूसरा नाम इसका आई कारनिया क्रेसी पिज है तो ये किसका पौधा है ये जलोद्भिद वाला पौधा है ठीक तो पहला नहीं ये तो नहीं होगा समुदीद में नहीं पढ़ा है हमने तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ जलोद्भिद अभी तीनों टाइप हम पढ़ेंगे तो हमारा तीनों टाइप क्या हो जाएगा चलिए अब अगला प्रकार हम समझेंगे अगला जो प्रकार है वो समोदित है इसे हम क्या कहते हैं कभी कभी जीरो फाइट भी कहते आगे बढ़ेंगे समोदित ज्यादातर पौधा जो होता है हमारे आसपास इसी टाइप का पाया जाता है ऐसे पौधे जो सामान्य जल पूर्ति वाले स्थानों पर उगते हैं उन पौधों को समुदित पौधा कहा जाता है अब देखिए आप जितना भी आसपास पेड़ पौधा देखोगे ना वो नॉर्मल जो आ, क्राइटेरिया होता है एक आ, हम कह सकते हैं घटकों का कि हाँ इतने मात्रा में हो जाएगा इसका कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए तो ये नॉर्मली जो आप प्लांट्स देखते हैं ये उसी का एक प्रकार है ये पौधे हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाते हैं निश्चित रूप से जो चीजें ज्यादा सर्वाइव करेंगी उनकी मात्रा भी क्या होगी सबसे अधिक होगी यही कारण है कि इनकी मात्रा जो होती है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक होगी क्योंकि जहां पर इन्हें नमी मिलती है वह वहां पर जल की पूर्ति आसानी से हो जाती है वह वहीं पर उगते हैं मतलब इनको हल्का सा भी अगर सरवाइव करने के लिए हल्का सा नमी मिलता है या सूर्य की रोशनी मिलती है तो ये सरवाइव कर लेंगे ऐसा नहीं है कि एकदम इनके लिए कोई स्पेशल वातावरण चाहिए इन पौधों को उगने के लिए मृदा में नमी और सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है ऑल ओवर बस इतना याद रखिएगा कि समोदभित ऐसे पौधे हैं जो सामान्य तापमान पर भी आपका जीते हैं या सरवाइव करते हैं साथ ही ये सामान्य पानी पर भी जीवित रह सकते हैं और ये हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं समोदभित पौधों के अंतर्गत हमारे आसपास के वृक्ष घास फूस इत्यादि आते हैं ऑल ओवर हमारा जो इन्वायरमेंट है आप देख रहे हैं वो समुद्र भीत का ही एक प्रकार है अब देखिए आप चाहे आप रेगिस्तान का देखोगे ना तो वहां के पौधे अलग होते हैं मतलब रेगिस्तान में जो पौधे मिलेंगे ना वो आपके नॉर्मल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात यूपी बिहार वहां नहीं मिलेंगे लेकिन आपके ऑल ओवर जो पूरे स्टेट में पौधे पाए जाते हैं ना वो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा जल कुंभी की हम बात करें तो ये भी क्या है एक पानी में पाए जाने वाला पौधा है इसे आप जमीन पर नहीं उगा सकते हो लेकिन ये जो पौधे हैं ना आपके समुदेद वाले जो पौधे हैं वो सामान्य तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं और ज्यादातर ये धरती पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं ये पौधे स्थल पर उगते हैं अब हमने क्या पढ़ा था जलोदभीत तो जलोदभी में हमने पहला पॉइंट क्या देखा था कि जो जलोदभी पौधे होते हैं वो क्या होते है? जल हैं जल पर उगते हैं जबकि आपके समोदित नाम इतना फर्क होना चाहिए कि जलोदभी पूछे तो जल पर उगते हैं समोदभी आपके स्थल पर उगते हैं खत्म बात अगर कुछ ना याद आए तो हाँ लेकिन आपसे एग्जामिनर कभी कभी जलोदभी समोदभी ना पूछकर उनका एक एग्जाम्पल दे देगा और बोल देगा ये किस प्रकार का पौधा है क्षेत्र के आधार पर जिस स्थल की मृदा में नमी और सूर्य का तापमान आसानी से पहुंच जाता है वे स्थान समुद्भिद पौधों के उगने के लिए अच्छे होते हैं ओवरऑल अगर हम एक सेंटेंस या एक उसमें कहा जाए तो बस ओवरऑल ये यही बातें कर रहे हैं कि ऐसे पौधे जो सामान्य तापमान सामान्य आपके जल पर भी क्या होते हैं हल्की सी नमी पर भी उग जाते हैं या सरवाइव कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं सामान्य पौधे सामान्य तापमान खत्म बात ये क्या आपके समुद्ध इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे अब बात करते हैं लवड़ो मृदो भीत नाम थोड़ा अजीब है इसका इसे हम हेलोफाइट्स कहते हैं हेलोफाइट्स प्लांट ठीक इसे हम समझेंगे ये क्या होगा आपका ना ये तो रेगिस्तान वाले पौधे हैं ना तो ये जल वाले पौधे हैं ना तो ये आपके जब नॉर्मल तापमान या नॉर्मल टेम्परेचर पर उगने वाले पौधे हैं क्या है ये पौधे तो ये दलदली स्थानों पर उगते हैं इसे समझेंगे हेलो फाइट्स, आपका जो है पौधा ऐसे पौधे हैं जो खारे पानी में उगते हैं इसका नाम से देखिए हमने क्या पढ़ा जलोदभी जलोदभी में हमने देखा कि जो पौधे जल में उगते हैं फिर हमने देखा समोदभी जो पौधे क्या होते हैं आपके स्थान आपके जो जमीन पर उगते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर और इसका नाम है लवड़ोदी मतलब क्या है आपका तो आप लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जहां पास खारा पानी होगा ठीक खारा पानी मतलब आपका समुद्र का जो बहाव आता है वहां पर ये पौधे उगते है। हैं आप नोटिस करिएगा कि जब आप कभी रेत वोत में देखते होंगे आसपास जब आप कभी समुद्र के पास जाएंगे या कोई ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत ज्यादा नमी टाइप से रहेगा वहां का पानी बहुत खारा होगा तो वहां पर ये पौधे आपको देखने को मिलेंगे इनका सबसे सामान्य उदाहरण है मैंग्रो, जो पूरे भारत की तटीय सीमा के आसपास काफी फैला हुआ है याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है आपका मैंग्रो। दलदली जगहों में उगते हैं जड़े जमीन के ऊपर होती है मतलब आप एक बार में ऐसे खींचेंगे तो तुरंत क्या होता है वो खिंचा जाता है तो हमने कितना पौधा देखा अभी हमने तीन पौधा एक तो हमने देखा जलोदभी फिर आपका हमने देखा समोदभीत और चौथा आपका लवड़ों में पहचाने वाले पौधे मतलब हेलोफाइट से क्योंकि इसका नाम है बहुत ज्यादा खतरनाक लवड़ मृदो भीत आप ये कह सकते हैं उनको तो आप देख सकते हैं ये जो स्थान है ना ये खारा पानी के कारण ऐसा हुआ है मतलब यहाँ पर पा समुद्री पानी होंगे इसीलिए उग गए दलदली स्थल आप कभी कभी देखते हैं चलकर आप इस पे देखेंगे तो पैर आप लोगों का नीचे धसता है तो ये भी क्या है आप समझ सकते हैं कि आप जब चलते हैं इस तरह के पौधे दिखे मतलब समझ जाइएगा ये कौन सा है आपके हेलो अब सवाल बना आपका कि हेलोफाइट्स जो ऐसे पौधे हैं जो खालिस्तान में उगते हैं क्या ताजा पानी में उगते हैं नहीं जो आपके समोदित पौधे हैं ना वो ताजे पानी में उगते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना है शीतल जल ठंडे पानी की बात ही नहीं है तालाबों में यहाँ पर तालाब नहीं हो सकता क्योंकि तालाब में आपका वो लवड़ पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता तालाब का पानी खारा हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो ये आपका क्या बोला है जल यहां हुआ क्योंकि इसमें, एक इसमें खारा पानी नहीं होता है आपका यहाँ पास जो जल लिखा है एक्चुअल में यहाँ पास लिखा होना चाहिए था खारा जल ये मिस हो गया है तो आपका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी सुधार लीजिएगा ऑप्शन डी आपका खारा जल होगा इसमें खारा मिसिंग है तो हेलोफाइट्स कैसे पौधे हैं हेलोफाइट्स आपके ऐसे पौधे हैं जो कहां उगते हैं जो आपके खारे जल में उगते हैं या पाए जाते हैं आगे बढ़ेंगे अगला जो है हमारा मरुद्भिद मरुद्भिद पौधा क्या होता है सिंपली ऐसा पौधा होता है जो सूखे स्थानों में पाया जाता है आपका रेगिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है और इनमें वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो भी कम होती है ठीक क्योंकि ये पानी की कम मात्रा में क्या कर लेते हैं सरवाइव कर लेते हैं इसीलिए हम इन्हें मरुद्भिद कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर के जितने भी पौधों को देखोगे तो वहां पर पानी की बहुत कम मात्रा रहती है मतलब इस ये ऐसे पौधे हैं ना कि ये पानी का कम प्रयोग करते हैं या कह सकते हैं हम इस पौधों में पानी की हानि कम होती है जबकि आपके अदर जो पौधे हैं उनमें हमने अधिक देखने को मिलती है क्या होता है अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ये मरुस्थली जगहों में उगते हैं पत्तियां छोटी छोटी व कांटेदार होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं आपके मरुस्थलों में जहां पर पत्तियां भी नहीं पाई जाती हैं तो ऐसे ये पौधे होते हैं जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती है मतलब बहुत अंदर तक इनका जड़ा जड़ फैला होता है शाखाएं भी फैली हुई होती हैं और पत्तियां कम होती है और गद्देदार होती है मतलब मोम का परत आपको इन पौधों में देखने को मिल जाएगा मोम बिल्कुल इसी कारण ये क्या होता है चिकना होता है आप देखेंगे गद्देदार होता है साथ ही नागफनी एक्सिया यूकोबिया यूकोबिया यूकफोबिया इसको याद रखिएगा क्या है एग्जाम्पल इसका नागफनी एक्सिया और यूफोबिया आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स फॉर सीटेट एग्जामिनेशन ठीक है हमने ओवरऑल क्या समझा प्लांट्स को समझा ठीक कि प्लांट्स क्या होते हैं हमने उसकी विशेषताओं को समझा फिर हमने उसके प्रकार को समझा कि अगर हम आकार के आधार पर देखें तो प्लांट्स चार प्रकार के होते हैं साक झाड़ी आपका वृक्ष और लता ये चार हम समझे फिर हमने क्षेत्रों के आधार पर देखा कि जो आपके पौधे होते हैं वो क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग जगहों पर सरवाइव करते हैं वहां रहते हैं जब वो सरवाइव करते हैं तो उसी वातावरण में ढल जाते हैं और अपना जो स्ट्रक्चर होता है अपनी जो कार्य विधि होती है उसी आधार पर वो बना लेते हैं जैसे हमने देखा कि जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं वो जलोद्भीत कहलाते हैं ये पौधे ऐसे होते हैं जो जलमग्न रहते हैं जल के अंदर होते हैं जैसे हमने जल कुंभी कमल जलकुंभी का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है उसके बाद हमने समोदभीत पौधा को देखा समोदभीत पौधा ऐसा पौधा जो लगभग सभी जगह पाया जाता है इसका कारण ये है कि जो समोदभीत पौधे होते हैं वो सामान्य वातावरण में भी सरवाइव कर लेते हैं अर्थात अगर उन्हें हल्की सी नमी मिलती है और सामान्य तापमान मिलता है तो भी वो अपना सरवाइव कर लेंगे उसके बाद हमने देखा आपका लवणोद्भीत मतलब ऐसे पौधे जो खारे जल में पाए जाते हैं या उगते हैं तो हमने देखा मैंग्रोव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिर हमने चौथा जो प्रकार देखा हमने देखा मरुस्थली पौधे जिसे हम मरुदेद कहते हैं ऐसे पौधे जो आपके रेगिस्तानों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं ये पानी का कम हानि करते हैं इनमें वाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है वो भी कम होता है इनकी जड़ें गहरी होती हैं बहुत अधिक फैली हुई होती हैं शाखाएं भी फैली होती हैं साथ ही इनमें मोम का परत भी देखने को मिलता है जिसके कारण ये चिकना भी लगता है तो हमने क्षेत्र के आधार पर चार देखा हमने आकार के आधार पर भी चार प्रकार को देखा अब क्या होता है अगर ये जो आपका बाकी हम प्लांट्स देखेंगे जैसे यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स फॉर सी टेट एग्जामिनेशन रेगिस्तान ओक क्रोटोन पौधे निपेंथिस बरगद खिजड़ी यहाँ से अगर हम 2019 तक की बात करें तो हर साल इवन आपका 220, 21 और 22 का भी जो एग्जाम हुआ है वहां से ये सवाल कहीं कहीं पर देखने को मिले हैं तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमने पौधे के ओवरऑल चीजों को समझा अब हम पर्टिकुलर क्या करेंगे एक एक पौधे को समझेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं याद रखिएगा चूंकि आप अभी का क्वेश्चन पेपर देखोगे जो आपका कल बीस अगस्त को हुआ है बीस अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसमें हमें एनसीआरटी कम वेटेज देखने मिला है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर आपसे दोबारा नहीं पूछेगा वो सिलेबस अपना फिक्स कर दिया है और उसी सिलेबस के आधार पर हमें तैयारी करना है ताकि वो सवाल कहीं से भी करे और हम रेडी रहे चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रेगिस्तानी ओक रेगिस्तानी ओक इसका नाम है इसके कार्य को भी हम समझेंगे ये क्या है आपका रेगिस्तानी ओक का एक इमेज है दूसरा हम पौधा देख रहे थे इसे हम क्या कहते हैं क्रोटोन पौधा या क्रोटोन प्लांट्स क्या होता है ये हमारे इनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है क्यों क्योंकि ये हमारे आसपास पाए जाने वाले जो हानिकारक कारक होते हैं ना उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है उन्हें सोख लेता है साथ ही ये जमीन के स्तर को भी बताता है ये ऐसा पौधा है ना कि अगर अ, मिट्टी में नमी है तो बढ़िया ये हरा भरा रहेगा लेकिन अगर लगेगा कि मिट्टी सूख रही है तो ये पौधे भी सूखने लगते हैं तो ये आपका क्या करता है जमीन के स्तर को भी बताता है नेक्स्ट देखेंगे ये कौन सा है आपका इसे हम घट पढ़नी भी कहते हैं ये क्या करता है अपनी खुशबू के द्वारा कीड़ों को आकर्षित करता है और उनका भज्छ करता है तो ये पौधों को हम समझेंगे ये क्या है आपका बरगद बरगद ऐसा पौधा है जो सबसे पुराने वृक्षों में से एक माना जाता है मतलब इसका जो जड़ होता है ये हजारों साल जीता है और इसका जड़ बहुत ज्यादा फैला होता है बहुत मजबूत होता है एक एक जड़ इसको क्या करता है आधार प्रदान करता है एक एक जड़ आप पास देखेंगे ना तो ऐसा फील जैसे हम लोग हाथ टेक कर खड़े होते हैं ना तो बिल्कुल ये हाथ जैसा काम करता है मतलब ऐसा लगता है कि हम एकदम किसी बेस पर है तो जो बरगद हो गया पीपल हो गए ये लोग अपने आप में बहुत पुराने वृक्ष माने जाते हैं और बहुत छायादार होते हैं साथ ही हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और हमारे ओवरऑल सभी जगह देखने को मिल जाते हैं और लोग इनकी कटाई करने से पहले भी हजार बार क्योंकि आगे बढ़ेंगे ये क्या है आपका खेजड़ी विच है खेजड़ी के बारे में भी समझेंगे कि खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके अः वहां पाया जाता है जहां पास रेगिस्तान होता है वहां हमको देखने को मिलता है राजस्थान में अब एक एक करके हम समझेंगे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये आप लोगों के लिए सवाल है देखिए यहाँ पर दिया है नागफनी तो क्या नागफनी में तने में होता है कि दोनों में दोनों में मतलब पत्तियों में और आपके तनों में होता है क्या नहीं क्या कांटों में नहीं तो आंसर क्या होगा आप लोगों को भी कमेंट करना है इसका आंसर होगा तनों में आपका जो नाक फनी है उसमें प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा नाक फनी में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसके द्वारा कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है इसमें पत्ती में होने वाले वास्पोर्जन की कमी आती है नागफनी में मसल पत्ती जैसा दिखने वाला भाग तना होता है इसी तने में क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो आपका आंसर क्या होगा तना होगा नोट्स बनाते चलेंगे अगला सवाल है निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है पीपल तो वृक्ष है सुंदरी भी आपका एक प्रकार का वृक्ष है कीकर भी है केला आपका वृक्ष नहीं है केला आपके वृक्ष में नहीं आता है यह आपका साख में आता है इसका ध्यान रखना है आपको प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाता है क्या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है नहीं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो क्या वाष्पीकरण कहल तो कहलाता है ये भी एक प्रकार का पौधे का प्रोसेस है लेकिन इसका आपके प्रजनन से कोई संबंध नहीं है संघनन ये भी ये सब ना एक ही टाइप है लेकिन आपका जो परागण है परागण किससे संबंधित है ये आपके प्रजनन से संबंधित है याद रखिएगा प्रजनन में क्या होता है कि आ, हम आप देखते होंगे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं एक फूल से दूसरे फूल में जब जाते हैं जैसे ये सबसे पहले क्या हुआ इसमें थे ठीक है तो आप देखते होंगे जैसे आप एक फूल देखते होंगे जैसे आप एक लाल गुड़हल का फूल देखेंगे वो बेस्ट एग्जाम्पल है उसमें एक लगा रहता है बूंद बूंद टाइप से येलो कलर का तो वो अगर क्या होता है कोई कीड़ा बैठता है उसमें जैसे मान लीजिए मधुमक्खी बैठा तो वो उस पर बैठता है फिर वो चिपक जाता है तो फिर वो जब दूसरे पौधे में बैठता है तो वो प्रारंभ तो हो जाता है ये क्या है पौधों में भी होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम परागण कहते हैं परागढ़ एक फूल के नर पराग कोष से कहा से फूल के नर जो होता है नर का जो पराग कोष है जैसे ये क्या है आपका नर है ठीक इस मधुमक्खी ने क्या किया इस मधुमक्खी ने इस फूल के पराग से परागड़ तक क्या किया मादा के तक पहुंचा और उसको स्थानांतरित कर दिया जैसे नर के पास ये था ठीक है ये मान लीजिए कोई आपका वो है आपका मधुमक्खी है वो इस पर बैठा चिपक गया फिर ये उठ के दूसरे पौधे पर गया और इस पर ये आ जाते हैं। तो ये आ तो एक प्रकार का क्या होता है होते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ये भी आपको ध्यान रखना है आप लोग कमेंट भी करते जाएंगे कि तभी आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा ये बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपका एग्जामिनर प्लांट्स क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया है आपके सिलेबस में लिख दिया है प्लांट्स तो आप लोगों को इसका मतलब ये तो नहीं बस आप खेजड़ी रेगिस्तानी ओक क्रोटोन ये बस पढ़ेंगे आप, आप उपस्थित रंध स्टोमेटा के द्वारा होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है इन चीजों को भी ध्यान रखना है किसके द्वारा कौन सी क्रिया के द्वारा होता है तो विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है ये भी आप लोगों के लिए सवाल है क्योंकि मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ा चुकी हूँ हर आंसर दूंगी तो आप लोग नहीं बनाओगे तो इसका आंसर भी आप लोगों को देना है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो ये आप लोगों को मैच करना है आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है यह वृक्ष के चारों ओर लिपटी होती है अमरबेल मनी प्लांट मटर आदि इसके उदाहरण हैं तो इनमें से कौन सा सही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि कल मैं अरोही लता के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ अरोही और हमने देखा था कि लता जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक आरोही और एक क्या होता है विसर्पी 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 क्या होता है विसर्पी आपका ऐसा लता होता है जो जमीन पर आगे बढ़ते हैं जमीन पर फैलते हैं जबकि आरोही लता आपका ऐसा लता होता है जो किसी पेड़ या दीवार के सहारे बढ़ते हैं तो आप लोगों को देखना है और आंसर करना है ये आपका नया टॉपिक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है मुनेरा

कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है इन सब का भी आंसर आपको करना है अगर आप फर्स्ट क्लास देखे हैं नहीं देखे हैं तो पहले पहला क्लास देखिए फिर आप आंसर कीजिए फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली कौन सी गैस है ये भी आपको बताना है यही सब क्या है आपकी बेसिक क्वेश्चन है अगर आप ओवरऑल इन क्लास को कर लेते हैं तो आपको इन्वायरमेंट का जो एक पार्ट होगा प्लांट्स उससे एकदम बेफिक्र हो जाना है फिर एग्जामिनर कहीं से भी सवाल करे आप कवर कर लेंगे तो इनका आंसर भी आप लोगों को लगाना है पहले टॉपिक पढ़िए फिर आंसर लगाइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जलोदभीत क्या कमल होगा आपका लवड़ोदभीत क्या बरगद होगा समोदभीत मक्का मरोदभीत कैक्टस इसका भी आंसर आप लोगों को देना है इसी बहाने कम से कम आप आंसर खोजेंगे इससे आप लोगों को आ, कह सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा या एडिशनल विसर्पी लता से संबंधित है मैंने बताया विसर्पी लता क्या होता है ऐसा लता जो जमीन पर फैलते हैं मैंने उसका एग्जांपल भी आपको बताया था बताइए विसर्पी लता क्या होगा आपका खीरा से संबंधित है पुदीना से खरबूजा से या सभी से यह आपको आंसर देना है अगला है आपका विसर्पी लता ये आंसर दिया हुआ है देख लीजिएगा चलिए देख ही लेते हैं आंसर दिया है विसर्पी लता वे पौधे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है इस कारण वे सभी वो सीधे खड़े नहीं हो पाते याद रखिएगा कोई भी लता हो वो कमजोर होता है तभी तो वो दो स्टेप में आगे बढ़ते हैं या तो वो किसी पेड़ या आपके दीवार के सहारे ऊपर बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे या तो वो जमीन के सहारे आगे बढ़ेंगे इन्हीं के आधार पर लताओं को दो भागों में बांटा गया है विसर्पी लता जो जमीन पर आगे बढ़ते हैं दूसरा आपका आरोही लता जो किसी पेड़ या दीवार के सहारे आगे बढ़ते हैं के कारण वे सीधे हो नहीं पाते हैं और जमीन पर रेंगते हुए विकसित होते हैं अरोही लता वे पौधे होते हैं जो विसर्पी लता के समान ही कमजोर तने वाले होते हैं लेकिन ये पौधे पूरी तरह जमीन पर नहीं रेंगते बल्कि किसी अन्य पौधे का सहारा लेकर उस पर चढ़ जाते हैं और कभी कभी दीवार पर भी चढ़ते हैं याद रखिएगा ऐसे आप लोग याद रख सकते हो विसर्पी मतलब सर जमीन में फैलते हैं और आरोही मतलब आगे बढ़ने वाला ऊपर चढ़ने वाला ये क्या है आपका लता का एग्जाम्पल है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपका जो है वो दीवार पर चढ़ रहा है तो ये कौन सा लता होगा विसर्पी लता होगा या आपका आरोही लता है या आप लोगों को कमेंट करना है आपका होमवर्क है हाँ तो हम लोग क्या कर रहे थे सीट एट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये प्लांट्स है पहला रेगिस्तानी ओक रेगिस्तानी ओक क्या होता है इसे हम समझेंगे रेगिस्तानी ओक की हम बात करें तो इस पेड़ की जो लंबाई होती है वो चार मीटर होती है लगभग आपके दीवार के बराबर इसकी लंबाई होती है इस पेड़ की जड़ों की लंबाई इस पेड़ के लंबाई के लगभग तीस गुनी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट तीस गुनी डायरेक्ट सवाल आपका बनता है कि कितने गुनी होती है तो याद रखिएगा ये इसके लंबाई के लगभग तीस गुनी होती है इस पेड़ के लंबाई के लगभग तीस गुनी होती है रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जमीन के उस गहराई तक बढ़ती रहती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाए वो तब तक आगे बढ़ेगी जब तक वो पानी के लास्ट लेवल तक ना पहुंच जाए तो इस रेगिस्तानी का क्या है एक विशेषता है इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती है लगभग ना के बराबर ध्यान रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों को याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम है एलो एलोक्सुअरी या आप ऐसे कर सकते हैं एलोकसू अरीना याद रखिएगा आपका रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम क्या है एलोकशु अरिना क्योंकि अभी तक एग्जाम एग्जामिनर ने क्या किया है ये सवाल नहीं पूछा है वैज्ञानिक नाम नहीं पूछा है तो निश्चित रूप से चूंकि वो रेगिस्तानी ओक से सवाल बनाता है तो वो कुछ नया करेगा तो नया में आपका क्या है ये वैज्ञानिक नाम तो क्या है एलो कशु अरिना ये नाम आप लोगों को याद रखना है इनको भी देखते चलेंगे इंग्लिश वाले दोनों में हो रहा है रेगिस्तानी ओक की जड़ों द्वारा अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि जब तक पानी को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक आगे बढ़ते रहती है तो होता क्या है कि इसके तनों में भी पानी आ जाता है तो लोग क्या करते हैं वहाँ के लोग जो आपके लोग होते हैं वो इसमें पाइप डालकर पानी को पीते हैं तो ये इमेज है ध्यान दीजिएगा रेगिस्तानी ओक के जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित किए गए पानी इस पेड़ के तना में क्या होता है इकट्ठा रहता है ये तना है इसमें इकट्ठा है जब किसी भी उस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं इसको याद रखिएगा ये क्या होता है अपने लंबाई के तीस गुने तक जमीन में जाता है और तब तक जाता है जब तक वो पानी तक पहुंच मत जाए क्योंकि जब वो पानी में पहुंच जाता है तो इसके तनों में पानी भरा होता है तो लोग क्या करते हैं जरूरत पड़ने पर इसमें पाइप डालकर पतला पाइप डालते हैं और वहां से पानी निकालते हैं तो याद रखिएगा ओक ऐसा पौध है जिसकी तनों से लोग पानी पानी निकाल, पानी निकाल कर पीते हैं, ठीक? ये कहा पाया जाता है तो याद रखिएगा ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि रेगिस्तान ओक है मतलब रेगिस्तान नहीं ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पौधा है जो क्या होता है एक दीवार जितना लंबा होता है इसकी तनों में पानी भरा होता है क्योंकि ये बहुत गहराई तक अंदर जाता है और ये कहाँ पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है इस चीज को भी ध्यान रखना है सवाल क्या बनेगा आपका तो रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है बिल्कुल हमने अभी देखा है कहा पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है दूसरा इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं यह तो गलत है इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है है हमने देखा है। इसके तनों से पानी निकाला जा सकता है बिल्कुल निकाला जा सकता है इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं यह भी सही है यह आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कि इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं यह गलत बात है इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है बहुत गहराई तक जाती है तो आपका ये वाला जो होगा सेकेंड वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगला पौधा है आपका क्रोटोन पौधा पौधा तो मैंने बताया कि क्रोटोन है क्या है आपका ऐसा पौधा है जो क्या करता है आपके एनवायरमेंट में फैले हुए सभी हानिकारक तत्वों को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन बनाकर रखता है साथ ही ये ऐसा पौधा है जो जमीन के भी स्तर को बताते हैं अब इसके बारे में कुछ देखेंगे क्रोटोन पौधे जमीन के दशा को बताते हैं यानी ये क्या होते हैं सिग्नल देते हैं ऐसे पौधे का नाम बताइए जो सिग्नल देते हैं तो क्रोटोन ऐसा पौधा है जो क्या करता है सिग्नल देता है इनकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है जब मिट्टी सूखने लगता है तो इसकी पत्तियां भी सूखने लगती हैं और झरने लगती हैं इससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख गई है या मिट्टी में अभी भी नमी। बाकी तो ऑल ओवर ये क्या करता है मिट्टी के स्तर को बताता है और साथ ही ये सिग्नल देता है जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी भी सूख रहा है तो ये पौधा भी सूखने लगेगा इसकी पत्तियां सूख कर टूटने लगेंगी तो ये क्या हो गया हमारा क्रोटोन पौधा हो गया क्रोटोन प्लांट कंडीशन ऑफ द लैंड ये सब आप लोग देख लीजिएगा नोट्स बनाते चलेंगे ये क्या चीज प्रदर्शित कर रहे हैं ये आपकी इन्वायरमेंट को प्रदर्शित कर रहे हैं कि इतना स्वच्छ रखता है क्रोटोन पौधा तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है अगले क्लास में हम नेक्स्ट पौधों के साथ मिलेंगे धन्यवाद अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर के पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को